हेलो मेरे दोस्तों, जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ही ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन हर बार ये सच नहीं होता। अगर आप अपने रिस्क को सही से मैनेज करना सीख जाए, जिसे हम कैलकुलेटेड रिस्क भी कहते हैं, तो आप कम रिस्क लेकर भी ज्यादा का रिटर्न कमा सकते हैं। अब अगर हम रिस्क की बात कर ही रहे हैं, तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे 6 टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क, जिन्हें अगर आप सही से मैनेज करना सीख जाते हो तो चांसेस है कि आप कम रिस्क लेकर भी अपने इन्वेस्टमेंट्स पर ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं। मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं YouTube चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। तो सबसे पहला रिस्क जिसकी आज हम बात करेंगे वो है मार्केट रिस्क। लेट अस लुक एट द स्क्रीनशॉट। कोविड जब पीक पर था तब निफ्टी 50 12,000 पॉइंट्स से नीचे गिरकर सीधा 8,000 पॉइंट्स पर आ गया, और सिर्फ दो ही महीनों में 33% से डिक्लाइन हुआ। और ऐसे में कई सारे इन्वेस्टर्स जो सिर्फ न्यूज चैनल्स ही देखते थे, उन्हें लगा कि अब तो दुनिया खत्म होने वाली है, और उन्होंने लॉस में ही अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया और फिर वेट करते रहे कि वो दोबारा पैसे इन्वेस्ट करेंगे। फाइनली अक्टूबर 2021 को मार्केट ने एक नया हाई टच किया, दैट इज 18,300 पॉइंट्स। और अब इन इन्वेस्टर्स को लगा कि अगर उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया तो वो इस बढ़ते मार्केट में कभी प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये है 25 अप्रैल 2023 के निफ्टी का क्लोजिंग, जो है 17,750 पॉइंट्स, विच मींस कि पिछले 19 मंथ्स में ड्यू टू वेरियस रीजंस निफ्टी 50 ने तो नेगेटिव रिटर्न्स जनरेट किए हैं, लेकिन इन इन्वेस्टर्स ने जिन्होंने पीक पर इन्वेस्ट किया था वो अब फ्रस्ट्रेटेड है और सबसे यही कहते हैं कि मार्केट में तो पैसा बनता ही नहीं है और हमेशा नुकसान ही होता है। लेकिन कोविड से पहले भी जब निफ्टी 50 12,000 पॉइंट्स पर था, अगर किसी ने पैसे इन्वेस्ट किए होते और अगर इन्वेस्टेड ही रहते, तब भी उनका रिटर्न आज 2023 में 14% कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट होता। कोविड के बावजूद जब लोगों को लग रहा था कि दुनिया खत्म हो जाएगी, तो ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने पेशेंस रखा, जिनको भरोसा था फ्यूचर पर, उन्हें आज भी ज्यादा का रिटर्न्स दिख रहा होगा। और ये सेम पैटर्न हमने पास्ट में भी देखा है, जब ईयर 2008 में एक हाउसिंग बबल कोलैप्स हुआ था यूएस में, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट पड़ा था और इंडियन मार्केट्स भी काफी तेजी से नीचे गिरे थे। सो अब ये जो मार्केट रिस्क है, जहां पे सडनली मार्केट नीचे चला जाता है, ऊपर आ जाता है, वॉलिटिलिटी होती है, इसको आपको कैसे मैनेज करना चाहिए? तो इसका सिंपल आंसर है कि अपने फाइनेंशियल प्लान को फॉलो कीजिए और रिटर्न्स से ज्यादा अपने फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस कीजिए। आप ये समझिए कि आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है, जैसे रिटायरमेंट है, बच्चों की हायर एजुकेशन को काफी समय बचा हुआ है, तो आप आजकल में क्या हो रहा है उसकी चिंता क्यों करते हो? और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। अब हमने मार्केट रिस्क तो काफी अच्छे एग्जांपल्स के साथ समझ लिया कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो आइए अब हम समझते हैं सेकेंड रिस्क, दैट इज क्रेडिट रिस्क। ये क्रेडिट रिस्क क्या होता है, इसे हम एक तरीके से डिफॉल्ट रिस्क भी कह सकते हैं। मान के चलते हैं कि आपका कोई फ्रेंड आपके पास आया और उसने कहा कि आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दो और उन पैसों पे मैं आपको कुछ इंटरेस्ट पे करूंगा हर महीने, जब तक कि मैं आपको प्रिंसिपल अमाउंट लौटा नहीं देता। लेकिन कुछ महीने इंटरेस्ट देने के बाद आपके फ्रेंड ने आपको इंटरेस्ट अमाउंट देना स्टॉप कर दिया। अब आपने अपने फ्रेंड को फोन किया और उस फ्रेंड ने बोला कि भाई मैं तुमको ये पैसे लौटा नहीं सकता क्योंकि मेरी खुद की जॉब चली गई है और अब मेरे पास ये पैसे नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके से क्रेडिट रिस्क हुआ कि आपने थोड़ा ज्यादा रिस्क लिया, अपने फ्रेंड को पैसे दिए और अब आपका फ्रेंड डिफॉल्ट कर रहा है, वो आपको आपके पैसे नहीं लौटा रहा है। तो ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल था, लेकिन मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी के बॉन्ड्स में पैसे डाले और अनफॉर्चुनेटली वो जो कंपनी है वो बैंकरप्ट हो गई, या किसी कारण से वो आपको इंटरेस्ट या आपका प्रिंसिपल अमाउंट लौटा नहीं पा रही है, तो इसे हम कह सकते हैं क्रेडिट रिस्क। अक्सर होता यह है, मैंने कई सारे इन्वेस्टर्स को देखा है, खास करके सीनियर सिटीजन, जहां उन्हें 1% भी ज्यादा मिलता है, वो अपनी मेहनत से कमाई हुई रिटायरमेंट की पूंजी को
1% ज्यादा कमाने के लिए किसी ऐसी जगह पर रख देते हैं जहां पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है, या किसी बॉन्ड में डाल देते हैं और होता यह है कि वो बॉन्ड डिफॉल्ट कर जाता है या वो बैंक डिफॉल्ट कर जाती है। तो हमेशा रिटर्न्स के पीछे मत भागिए, अपने रिस्क एपेटाइट को समझिए। वो 1% एक्स्ट्रा रिटर्न कितना ही फर्क कर लेगा, लेकिन आप ये सोचिए कि वो 1% ज्यादा कमाने के चक्कर में आपका पूरा प्रिंसिपल आप रिस्क पे लगा रहे हो। तो ये है सेकेंड टाइप ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क, विच इज क्रेडिट रिस्क। और इसे मैनेज कैसे करना है, सिंपल है। 1% 1.5% ज्यादा कमाने के चक्कर में ज्यादा रिस्क मत लीजिए, पॉइंट नंबर वन। और पॉइंट नंबर टू, हमेशा रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट्स में ही अपने पैसे इन्वेस्ट कीजिए। इससे मेरा क्या मतलब है, जैसे म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स से भी रेगुलेट करता है, अगर आप FDs की बात करो या बैंक्स की बात करो तो RBI रेगुलेट करती है, अगर आप इंश्योरेंस की बात करो तो IRDA रेगुलेट करता है। तो हो सके तो रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट्स में ही अपने पैसे इन्वेस्ट कीजिए, जिससे कि आपका रिस्क खुद ही कम हो जाता है। और जब आप बॉन्ड्स में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो रेटिंग देखिए, AAA, BB, और रेटिंग के हिसाब से, रेटिंग्स को समझकर अपने पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सो अब हम समझते हैं थर्ड टाइप ऑफ रिस्क, दैट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसका मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। अगर हम बात करें आज से 2 साल पहले की, अगर आपने किसी बैंक में FD बनवाई होती, मान लीजिए 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो आपको शायद इंटरेस्ट रेट मिला होता 5% का या ज्यादा से ज्यादा 6% का। लेकिन ये बात हुई 3 साल पहले की। लेकिन वही अगर आज अगर आप बैंक में FD बनाने जाते हो तो कई सारी बैंक, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 8% तक का भी रिटर्न दे रही है। अब आपने सोचा कि मैं बैंक में चला जाता हूं और मैं अपनी FD को तोड़ के हायर इंटरेस्ट रेट वाली FD में पैसे दोबारा से इन्वेस्ट कर देता हूं, लेकिन बैंक वाला आपको कुछ ऐसा कहता है कि आपको शॉक लग जाता है। बैंक वाला कहता है कि अगर आप इस FD को बीच में ही तुड़वाते हो, जो कि 4-5 साल के लिए बनी हुई है, तो पहली बात तो आपको 1% की पेनल्टी लगेगी, यानी आपका वो नुकसान हो जाएगा, और दूसरा अब तक आपको जो भी इंटरेस्ट दिया गया था 6% या 7% के हिसाब से, वो आपसे ले लिया जाएगा और आपको टोटल सिर्फ सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट था 4% या 5% उतना ही दिया जाएगा। अब आप कैलकुलेशन करते हो तो आपका कैलकुलेशन ऐसा कुछ बैठता है कि अगर आपने उस FD को तुड़वा दिया तो आपका ज्यादा का नुकसान हो रहा है। तो ये है इंटरेस्ट रेट रिस्क, कि आपने कम अमाउंट में इन्वेस्ट किए थे पैसे, लेकिन इंटरेस्ट बढ़ने के कारण अब आपको ये नुकसान हो रहा है कि अब आप ज्यादा इंटरेस्ट अपने पैसों पे नहीं कमा पा रहे हो। इंटरेस्ट रेट रिस्क ज्यादा करके बॉन्ड्स में होता है, जहां पे लॉन्ग टेन्योर के बॉन्ड्स होते हैं और इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से उनकी जो वैल्यू है वो वैल्यू डिक्लाइन हो जाती है और इन्वेस्टर्स का नुकसान हो जाता है। तो ये था काफी सिंपल एग्जांपल इंटरेस्ट रेट रिस्क का। और अगला रिस्क है इन्फ्लेशन रिस्क। ये तो मैंने कई बार हमारे पुराने वीडियोस में भी इसको डिस्कस किया हुआ है कि जब आपके पैसे की परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन रिस्क। फॉर एग्जांपल, आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपना पैसा सेफ रिटर्न के चक्कर में कम रिटर्न जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे FD हो गया या कोई भी और डेट प्रोडक्ट हो गया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन आपको बैलेंस करना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि अगर आप कम रिटर्न जनरेट करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो तो चांसेस है कि उसके रिटर्न्स ऑलरेडी पहले से ही कम होते हैं, जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाते। प्लस आप जो रिटर्न पे जो टैक्स भरते हो तो टैक्स कटने के बाद आपके रिटर्न्स जो नेट रिटर्न है वो और भी कम हो जाता है। तो ऐसे में इसे हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन रिस्क, जहां पे आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से कम होती जाती है। तो चलिए समझते हैं अगले प्रकार के रिस्क को। ये रिस्क है करेंसी रिस्क। इसका मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे कई सारे NRI क्लाइंट्स करते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि गल्फ कंट्रीज में जो हमारे क्लाइंट्स है वो हमसे कहते हैं कि हमको तो गल्फ कंट्री में जो लोन है वो 4% पे मिल रहा है, तो वो एक बड़े अमाउंट का लोन ले लेते हैं और वो इंडिया में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। अब मान लीजिए किसी ने आज से 3-4 साल पहले 2 लाख दिरहम का लोन लिया होता दुबई में और इंडिया में पैसे ट्रांसफर कर दिए होते तो उसको 19 का रेट मिला होता या 20 का रेट मिला होता, लेकिन आज वही रेट है 22। यानी सोचिए, उन्होंने 19 पे एक बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी, लेकिन आज अगर वो ये सेम रकम ट्रांसफर करते तो उन्हें 22 का रेट मिलता। यानी ये तो उनका नुकसान हो ही गया, प्लस वो जो लोन लिया हुआ है उस लोन पर वो वहां पे इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में करेंसी रिस्क होने की वजह से जो है ये
बहुत ज्यादा नुकसान हो गया उनका। एक और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपने इंडिया से डॉलर्स में कुछ आपने इन्वेस्टमेंट की, जब आपको डॉलर का रेट मिला था शायद मे बी 78-79, लेकिन आज वही डॉलर है 82, तो यहां पे आपका शायद फायदा हो गया क्योंकि आपको आज अगर आप उस इन्वेस्टमेंट को बेचते हो तो आपको 82 का रिटर्न मिलता है। लेकिन यही अगर उल्टा हो गया होता तो मान लीजिए आज आप 81-82 में डालते हो और आज से 3-4 बरस बाद डॉलर का रेट हो जाता है 78 या 79, तो आपको रिटर्न तो दिखेगा लेकिन करेंसी रिस्क, करेंसी एक्सचेंज रिस्क की वजह से आपके पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो कम हो जाएगा। तो ये है करेंसी रिस्क। अब अगला रिस्क जो कि आखिरी रिस्क है, दैट इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है? मान लीजिए आपके कई सारे इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल एस्टेट में है, अब आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई और अब आप उस रियल एस्टेट को बेचना चाहते हो, लेकिन जो कि ये बहुत बड़ा टिकट साइज होता है आपको बायर मिल ही नहीं रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब क्या है कि जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचना चाहते हो तब आप उसे बेच नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको बायर्स नहीं मिल रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क। और हाल ही में हमने एक बहुत बड़ा न्यूज पढ़ा था सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स का, तो कहीं ना कहीं ये जो कोलैप्स हुआ था उसके पीछे लिक्विडिटी रिस्क इन्वॉल्व था। हुआ ऐसा था कि बैंक वालों ने लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में अपने पैसे फंसा दिए थे, अब बॉन्ड्स की यील्ड कम हो गई क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, जिसकी वजह से अब वो चाहकर भी उन बॉन्ड्स को नहीं बेच पा रहे थे। तो यहाँ पे दो प्रकार के रिस्क इन्वॉल्व थे, एक था लिक्विडिटी रिस्क और एक था इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो अगर आप इन 6 टाइप ऑफ रिस्क को अगर आप मैनेज करना सीख जाते हो सही से, अगर आप सही से बैलेंस करते हो, तो इस बात के पूरे चांसेस है कि आप अपने रिटर्न्स को रिस्क लेकर भी इन ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आज के लिए 6 टाइप ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कुछ सीखने मिला, कुछ समझने मिला और आप इन रिस्क को अपने डे टू डे लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना पसंद करोगे। अगर आप चाहे तो आप हमारी वेबसाइट द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग पर भी विजिट कर सकते हो। अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, आपको हमारे हर वेनेसडे और संडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा और आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड नॉलेज को बढ़ा पाओगे। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं सही से प्लानिंग करके, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर। थैंक यू सो मच फॉर इन्वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।